कि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है और वहाँ पे बिना बुलाए उनके साथ में जाना जो है वो अगर कोई जाके ऊंचा नीचा शब्द बोल दें या कोई ऐसी घटना हो जाए जो जो जिससे कोई नुकसान हो जाए तो वो करंट हमारे से नहीं उतर पाएगा। देखिए 3 घंटे के लिए आज टोल फ्री की कॉल है और कल जो है वो सभी तहसीलों पे हम ट्रैक्टर का प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो ये 2 फैसले हैं और उसके बाद परसों को जो है वो सभी जितने भी हरियाणा के किसान संगठन हैं, हरियाणा की छापे हैं, मजदूर संगठन है, टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं और जो सभी की एक मीटिंग बुलाएंगे प्रतिनिधियों की और अगला जो निर्णय है उसमें लेंगे कि हमने आगे क्या आंदोलन। वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है और वहाँ पे बिना बुलाए उनके साथ में जाना जो है वो अगर कोई जाके ऊंचा नीचा शब्द बोल दें या कोई ऐसी घटना हो जाए जो जो जिससे कोई नुकसान हो जाए तो वो करंट हमारे से नहीं उतर पाएगा, इसलिए हम वो उनके बीच में नहीं गए हैं। लेकिन क्योंकि किसानों से जियाती हो रही है, सरकार गलत कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध करने के लिए और अपनी मांगों के समर्थन में हमने ये 2 प्रोग्राम दिए। सर रात बैठक चले काफी लंबी, संडे को बैठक है, क्या लगता है कुछ बनेगी बात? देखिए ये नहीं पता बात बनेगी कि नहीं बनेगी, तो जो बातचीत कर रहे हैं उनको ही पता होगा। कल लंबे टाइम तक बात चली है और 18 तारीख की मालूम हुआ कि दोबारा से मीटिंग रखी है, तो क्या वो करेंगे ये उनको पता होगा। आप बुलाएंगे जाएंगे सर? आप अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए नहीं जाएंगे। कोई खास वजह उन्होंने आप लोगों को नहीं बुलाया? देखिए खास वजह कुछ नहीं है, खास वजह तो मतलब एक आदमी के ऊपर एक लांछन लगाने वाली बात होती है, ये राजनीति करते हैं। हालांकि मैं 32 साल से किसानी में ही, परिवार भी बर्बाद कर दिया, जमीन भी बर्बाद कर दी है और फिर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा देना कि वो तो राजनीति करते हैं। राजनीति से तो जब ये एसकेएम बना है तब इसमें 5 मेंबर बनाए थे, उसमें बीएम सिंह राजनीति करता था, राजू शेट्टी राजनीति करता था, योगेंद्र यादव राजनीति करता था, मैं भी राजनीति करता था, तो शामिल भी हुए थे। नहीं आपको लगता है अगर आप होते तो आप दिल्ली कूच कर जाते? देखिए ये तो परमात्मा जाने, कोई मैं कोई कोई खुदा नहीं हूँ जो इतना बलशाली हूँ, इतना कोई ताकत रखता हूँ, ये तो परमात्मा की मर्जी है, क्या हो सकता था। देखिए वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है और वहाँ पे बिना बुलाए उनके साथ में जाना जो है वो अगर कोई जाके ऊंचा नीचा शब्द बोल दें या कोई ऐसी घटना हो जाए जो जो जिससे कोई नुकसान हो जाए तो वो करंट हमारे से नहीं उतर पाएगा। देखिए 3 घंटे के लिए आज टोल फ्री की कॉल है और कल जो है वो सभी तहसीलों पे हम ट्रैक्टर का प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो ये 2 फैसले हैं और उसके बाद थोड़ी सी नीचे परसों को जो है वो सभी जितने भी हरियाणा के किसान संगठन हैं, हरियाणा की छापे हैं, मजदूर संगठन है, टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं और जो सभी की एक मीटिंग बुलाएंगे प्रतिनिधियों की और अगला जो निर्णय है उसमें लेंगे कि हमने आगे क्या आंदोलन। वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है और वहाँ पे बिना बुलाए उनके साथ में जाना जो है वो अगर कोई जाके ऊंचा नीचा शब्द बोल दें या कोई ऐसी घटना हो जाए जो जो जिससे कोई नुकसान हो जाए तो वो करंट हमारे से नहीं उतर पाएगा, इसलिए हम वो उनके बीच में नहीं गए हैं। लेकिन क्योंकि किसानों से जियाती हो रही है, सरकार गलत कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध करने के लिए और अपनी मांगों के समर्थन में हमने ये 2 प्रोग्राम दिए। सर रात बैठक चले काफी लंबी, संडे को बैठक है, क्या लगता है कुछ बनेगी बात? देखिए ये नहीं पता बात बनेगी कि नहीं बनेगी, तो जो बातचीत कर रहे हैं उनको ही पता होगा। कल लंबे टाइम तक बात चली है और 18 तारीख की मालूम हुआ कि दोबारा से मीटिंग रखी है, तो क्या वो करेंगे ये उनको पता होगा। आप बुलाएंगे जाएंगे सर? आप अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए नहीं जाएंगे। कोई खास वजह उन्होंने आप लोगों को नहीं बुलाया? देखिए खास वजह कुछ नहीं है, खास वजह तो मतलब एक आदमी के ऊपर एक लांछन लगाने वाली बात होती है, ये राजनीति करते हैं। हालांकि मैं 32 साल से किसानी में ही, परिवार भी बर्बाद कर दिया, जमीन भी बर्बाद कर दी है और फिर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा देना कि वो तो राजनीति करते हैं। राजनीति से तो जब
ये स्कैम बना है, तब इसमें 5 मेंबर बनाए थे, उसमें बीएम सिंह राजनीति करता था, राजू सेठी राजनीति करता था, योगेंद्र यादव राजनीति करता था, मैं भी राजनीति करता था, तो शामिल भी हुए थे नहीं। तो आपको लगता है अगर आप होते तो आप दिल्ली कुछ कर जाते? देखिए ये तो परमात्मा जाने, कोई मैं कोई खुदा नहीं हूँ जो इतना बलशाली हूँ, इतना कोई ताकत रखता हूँ, ये तो परमात्मा की मर्जी है, क्या हो सकता था।